अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पैडमैन की रिलीज की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ट्विंकल खन्ना की पहली पसंद अक्षय कुमार नहीं थे। हालांकि फिल्म में जिनके ऊपर आधारित है यानी कि अरुणाचलम चाहते थे कि फिल्म में उनका किरदार अक्षय कुमार ही करें, जिसके बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से बात की। ट्विंकल खन्ना नहीं चाहती थी कि पैडमैन से ट्विंकल खन्ना नहीं चाहती थी कि पैडमैन में जिस विषय को उठाया जा रहा है ट्विंकल खन्ना नहीं चाहती थी कि पैडमैन में जिस विषय को उठाने की कोशिश की गई है उस पर से लोगों का ध्यान हटे। हालांकि अक्षय कुमार ने फिल्म में अपने योगदान से इस विषय को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया है। यह फिल्म पहले 25 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन संजय लीला भंसाली के कहने पर फिल्म अक्षय कुमार ने टाल दी और अब यह फिल्म 9 फरवरी को आ रही है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का ट्रेलर आ चुका है और ये उस विषय पर बात कर रहा है जो हमारे समाज में सभी कहने से हिचकिचाते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में अक्षय कुमार खुद एक पैड पहनते हैं, जिसके बाद ट्रेलर को देखना और भी मज़ेदार हो जाता है। अक्षय कुमार ट्रेलर में एक ऐसे सुपर हीरो बनकर उभरे हैं जो हमने सोचा नहीं था, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें ज़रूर थी। ट्रेलर में अक्षय कुमार ने अपनी बहन को पैड गिफ्ट किया है।